सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। विकसित भारत के विकास का एक मूल मंत्र। इस मंत्र को आत्मसार करते हुए डबल इंजन सरकार की शक्ति लेकर आज देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा अपने बहुमुखी विकास में दुगनी रफ्तार पकड़े हुए है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन के लिए तैयार नए संस्थान और प्लांट्स मानव प्रयास से मानव विकास का उदाहरण है। किसी भी देश का भविष्य निर्माण का आधार है शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र में NIT देश का उच्चतम शैक्षिक संस्थानों में से एक है। ये संस्थान तकनीकी, प्रबंधन, मानविकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है। गोवा के कुंकोलिम में 390 करोड़ की लागत से 70,750 वर्ग मीटर क्षेत्र के विशाल कैंपस में बना ये संस्थान नवीन कोटि के प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उच्च कोटि के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से लैस है, जो छात्रों को एक शांत, हरित, सभी सुविधाओं से युक्त वातावरण प्रदान करती है। भारत का साहसिक पर्यटन जल क्रीड़ा में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श और अनुसंधान हेतु गोवा में बनकर तैयार है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान का केंद्र NIWS राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान। ये भारत का एकमात्र संस्थान है जो कि भारत में जल क्रीड़ा को उन्नति प्रदान करने के साथ साथ जल क्षेत्रों में पर्यटकों की सुरक्षा, जल क्रीड़ा प्रशिक्षण, जीवन सुरक्षा में प्रशिक्षण, तट व्यवहारता अध्ययन एवं पर्यटन शिक्षा में MBA की उपाधि प्रदान करता है। 16.5 एकड़ में पंजी शहर में निर्मित राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान विशाल होने के साथ साथ समुद्र किनारे स्थित एक बेहद खूबसूरत संस्थान है, जो कि भारत में जल क्रीड़ा एवं जल पर्यटन के रोमांच को शीर्ष पर ले जाने के लिए तैयार एवं तत्पर है। स्वच्छ राज्य, स्वस्थ राज्य, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है गोवा। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण गोवा को स्वच्छ रखने हेतु कचरे का प्रबंधन अति आवश्यक है। इसी कचरे के सही प्रबंधन हेतु कुरचोरिम गोवा में स्थित 174 करोड़ की लागत से निर्मित कचरा प्रबंधन सुविधा आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं से लैस एक सुविधा है, जो राज्य के कचरे को विभाजन, उन्हें चक्रण, कंपोस्टिंग और नष्टीकरण करके प्रभावी रूप से कचरे को प्रबंधित करती है और पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम को कम करती है, तथा गोवा को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि स्वच्छ पर्यटन स्थलों की सूची में जोड़ती है। गोवा के विकास में अपना प्रयास जोड़ने आज उद्घाटित हर संस्थान के साथ कई ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनका गोवा के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। GTDC के बैनर तले करीब 225 करोड़ में बनने वाला 1,240 मीटर लंबा 800 से 1,000 यात्री प्रति घंटे की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक मोनोकेबल गोंडोला रोपवे आने वाले समय में पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र स्थापित होगा। 495 करोड़ की लागत से सेलोलिम जलापूर्ति परियोजना अतिरिक्त जल उपचार संयंत्र है, जिसके अंतर्गत शेल पैम में 100 MLD जल उपचार संयंत्र का निर्माण हो रहा है। इसी परियोजना के तहत एक जल ग्रिड स्थापित किया जाएगा, जिससे कुल जलापूर्ति में सुधार होगा।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के सहयोग से आज गोवा में उद्घाटित संस्थान शिलान्यास तथा परियोजनाएं इस राज्य के बहुमुखी विकास का प्रतीक है। गोवा की डबल इंजन सरकार चौतरफा विकास करके गोवा को विश्व स्तरीय राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। जय गुमंतक, जय हिंद।